MNS News पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। Flipkart पे दिवाली सेल 2019 स्मार्टफोन पर मिल रही है ये शानदार डील्स। Flipkart पे दिवाली सेल 2019 में Redmi K20, Redmi K20 Pro, Vivo Z1 X समेत कई स्मार्टफोन सस्ते में बेचे जा रहे हैं। Flipkart पे दिवाली सेल 2019 का आगाज हो गया है। Flipkart सेल 16 अक्टूबर तक चलेंगे। सेल के दौरान ग्राहकों को मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर शानदार डील्स मिलेंगी। Flipkart ने इस सेल के लिए SBI से हाथ मिलाया है। इसका मतलब खरीदी के दौरान यदि ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा Flipkart पर ग्राहकों के लिए बिना ब्याज वाली EMI की सुविधा के अलावा एक्सचेंज ऑफर और अतिरिक्त कैशबैक भी है। MG Hector ने हासिल की 8000 नई बुकिंग्स। SUV में कायम है ग्राहकों की दिलचस्पी। MG Motor India ने कॉम्पैक्ट SUV Hector के लिए महज 12 दिन में 8000 नई बुकिंग्स हासिल कर ली है, जिसे कंपनी ने दोबारा 29 सितंबर 2019 को शुरू किया। कंपनी ने अगस्त 2019 में SUV की 2000 यूनिट बेची है। वही सितंबर में ये आंकड़ा 2500 यूनिट्स के ज्यादा था। पहली बार शुरू की गई बुकिंग्स में 28000 बुकिंग हासिल करने के बाद कंपनी ने इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। बाजार में मंदी और दमदार मुकाबले के बाद भी MG Hector ग्राहकों को खासा आकर्षित कर रही है। कंपनी का कहना है कि पिछले उन ग्राहकों को डिलीवरी देने पर ध्यान दिया जा रहा है जिन्होंने लंबे समय से SUV बुक की थी। भारत में लॉन्च हुई 4.1 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी हुरिकैन ईवो स्पाइडर। लैम्बोर्गिनी ने गुरुवार को भारत में अपनी ओपन टॉप मॉडल हुरिकैन ईवो स्पाइडर कार भारत में ₹4.1 करोड़ की कीमत पर लॉन्च की। 5.2 लीटर के V10 इंजन वाली यह कार 3.1 सेकंड में 0.100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। वही 325 किलोमीटर घंटा की टॉप स्पीड वाली इस कार की रूफ टॉप को फोल्ड होने में सिर्फ 17 सेकंड लगते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News के साथ। नमस्कार।